दोस्तों आप यहाँ पे माइक्रोटेक और लुमिनस की इन्वर्टर देख रहे हैं। ये इन्वर्टर जो है काफी पावरफुल इन्वर्टर है सिंगल बैटरी के लिए। ये छह इन्वर्टर जो आप देख रहे हैं, तीन इन्वर्टर लुमिनस के और तीन इन्वर्टर जो है माइक्रोटेक। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इन छह इन्वर्टर के बारे में हम लोग जानेंगे, इन इन्वर्टर के दोस्तों पावर क्या है और प्राइस क्या है, ताकि दोस्तों आपको इस वीडियो में समझ में आए कि कौन सा इन्वर्टर जो है आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सा इन्वर्टर लगाना चाहिए, आपको ये चीज भी पता चलेगा। और इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को प्राइस भी इन सारे इन्वर्टर के पता चल जाएंगे, एक साथ में पता चलेंगे। तो पहले भी दोस्तों मैं इस सारे इन्वर्टर के ऊपर दोस्तों वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं कि इनके प्राइस क्या है, बट दोस्तों आज एक साथ दोस्तों इन सारे इन्वर्टर के प्राइस और पावर के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड जानकारियां आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं माइक्रोटेक के 1550, जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं दोस्तों, ये दोस्तों आपका ये माइक्रोटेक का हेवी ड्यूटी 1550 है। वहीं पे दोस्तों ये माइक्रोटेक का एक्सपी 1400 है, और ये नीचे वाला जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं ये माइक्रोटेक का हेवी ड्यूटी 1750 है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1750 है, और साइड में देखिएगा तो दोस्तों ये लुमिनस का 1650 है, इको वाट एक्सल 1650, लुमिनस का शक्ति चार्ज 1150 है, और यहाँ पे दोस्तों ये 1450 शक्ति चार्ज लुमिनस का है। ये छह इन्वर्टर है दोस्तों, छह इन्वर्टर के पावर कैपेसिटी और दोस्तों कितना प्राइस पड़ने वाला है वो चीज भी दोस्तों ये सब जानेंगे। तो ये माइक्रोटेक का 1550 इन्वर्टर है दोस्तों, इसकी कैपेसिटी 1250 VA इन्वर्टर आता है, और इस पे 1000 वाट का लोड आप दे सकते हैं। 1000 वाट का लोड में दोस्तों एक एलईडी बल्ब जो होता है दोस्तों 9 वाट का होता है, यानी कि दोस्तों आप इस पे 100 LED बल्ब जला सकते हैं 9 वाट के, छोटी वाली, बड़ी भी आती है दोस्तों 30 वाट, 35 वाट, 50 वाट, 60 वाट तक की भी आती है, लेकिन एक नॉर्मल जो घर पे लगते हैं दोस्तों 9 वाट के एलईडी बल्ब। वहीं पे बात करें दोस्तों माइक्रोटेक एक्सपी 1400 की, 1250 VA का इन्वर्टर है, और इसकी लोड कैपेसिटी जो है 1000 वाट तक की है, यानी कि 1000 वाट तक दोस्तों आप इस पे लोड दे सकते हैं। 1000 वाट में दोस्तों आप अगर चाहें तो 70 वाट के पंखे चला रहे हैं तो दोस्तों 14-15 पंखे चला सकते हैं। उसके नीचे है दोस्तों हैवी ड्यूटी माइक्रोटेक का 1750, ये देख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने कुछ दिन पहले इस पे वीडियो बनाया है, 1750 का ये इन्वर्टर है दोस्तों। तो ये 1500 VA का इन्वर्टर है, और इसकी लोड कैपेसिटी 1200 वाट। 1200 वाट में दोस्तों अगर ये 1400 और 1550 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो 200 वाट इसकी कैपेसिटी जो है ज्यादा है, यानी कि इस पे दोस्तों आप 200 वाट तक का ज्यादा लोड दे सकते हैं। दोस्तों इस इन्वर्टर पे 1 HP का पंप चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, फैन वगैरह, आयरन भी चला सकते हैं दोस्तों। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है 1200 वाट, तो दोस्तों इस पे आप बहुत कुछ चला सकते हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों लुमिनस में, लुमिनस के इन्वर्टर में दोस्तों सबसे ऊपर में मैंने रखा है 1650, ये इको वाट एक्सल 1650, ये 1650 1500 VA में आता है दोस्तों, 1500 VA का ये इन्वर्टर है, और इसकी लोड कैपेसिटी भी की बात करें तो दोस्तों ये 1750 जो आप नीचे आपको मैंने दिखाया 1750, इसके पावर के बराबर ही दोस्तों इसका भी पावर है, ये 1200 वाट का इन्वर्टर है। 1200 वाट में दोस्तों जो चीज आप उस 1750 पे चला रहे हैं वो चीज आप इस पे भी चला सकते हैं, पे भी 1 HP का पंप चला लीजिए, वॉशिंग मशीन चला लीजिए, फ्रिज चला लीजिए, कूलर चला लीजिए, हीटर चला लीजिए 1000 वाट का, आप आयरन चला लीजिए, ये सारे चीज चला सकते, इतनी इसकी कैपेसिटी है ये लुमिनस की इको वाट एक्सल 1650 की। ये 1500 VA का इन्वर्टर है, 1200 वाट इसका लोड कैपेसिटी है। उसके नीचे है दोस्तों लुमिनस की शक्ति चार्ज 1150, ये दोस्तों 900 VA का इन्वर्टर है, ये देखने में दोस्तों 1650 के बराबर ही दिखेगा, बट दोस्तों ये 900 VA का इन्वर्टर है। इसके बारे में भी दोस्तों आप लोगों को मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, ये 900 VA का इन्वर्टर है दोस्तों, इस पे आप ज्यादा लोड नहीं दे सकते हैं, ये 700 वाट तक का लोड कैपेसिटी है इसकी। 700 वाट के अंडर में दोस्तों आप इसमें कोई भी काम कर सकते हैं, इस पे पंखे, लाइट, टीवी, हाफ HP के पंप दोस्तों आप काफी आसानी से चला सकते हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों ये लुमिनस की शक्ति चार्ज न्यू 1450 के बारे में, ये इन्वर्टर जो है 1100 VA का इन्वर्टर है, कुछ ज्यादा इसका पावर नहीं है, ये 1100 VA का इन्वर्टर है, 1150 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, यानी कि 200 VA ज्यादा है इसका कैपेसिटी। इस इन्वर्टर पे दोस्तों आप 850 वाट तक का लोड दे सकते हैं, 850 वाट से ज्यादा लोड दीजिएगा
तो दोस्तों ये ओवरलोड होने लगेगा। तो 850 वाट में दोस्तों आप हाफ एचपी का पंप चला लीजिए, लाइट चला लीजिए, पंखे चला लीजिए, टीवी चला लीजिए, मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, ये सारे चीज आप कर सकते हैं दोस्तों इस इन्वर्टर। और दोस्तों इन सारे इन्वर्टर की प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से जहां से शुरू किया था मैंने, आप 1550 का इन्वर्टर अगर लीजिएगा दोस्तों 6000 से 6500 के बीच में आपको मार्केट में अवेलेबल है। वहीं पे माइक्रोटेक का एक्सपी 1400 लीजिएगा तो दोस्तों ये 5500 से लेके 6000 तक में अवेलेबल हो जाएगा। वहीं पे अगर आप हेवी ड्यूटी 1750 माइक्रोटेक का लीजिएगा तो 7500 से 8500 तक ये दोस्तों आपको मिलेगा। अगर लुमिनस में बात करें तो लुमिनस का 1650 भी दोस्तों आपको 7500 से 8500 के बीच में ही आएगा। और ये शक्ति चार्ज 1150 का प्राइस के बारे में बात करें तो ये 1150 दोस्तों 5500 से 6000 तक आपको मिलेगा। 1450 लुमिनस की बात करें, मार्केट में दोस्तों इसकी काफी डिमांड है, और दोस्तों मार्केट में दोस्तों इसकी काफी डिमांड है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 1450 लिखा हुआ है। दोस्तों सबको लगता है कि 1450 जो है 1650 से कम, थोड़ा सा ही कम है, 200 कम है, लेकिन दोस्तों इसकी सच्चाई अगर आप देखेंगे ये वीडियो तो आपको पता चला कि दोस्तों आपको ये 1450 जो है ये 1650 में 200 का नहीं ज्यादा का डिफरेंस है, क्योंकि दोस्तों ये 850 वाट का इन्वर्टर है और ये 1200 वाट का इन्वर्टर है, यानी कि 350 वाट का डिफरेंस है। और ये इन्वर्टर दोस्तों काफी ज्यादा बिकता है इसी के वजह से। और इस इन्वर्टर के प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों ये इन्वर्टर आपको 6000 से 6500 तक में मिल जाएगा। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।